गल्फ वालों को, जितने भी मेरे गल्फ के सब्सक्राइबर्स है, उनको सबको ईद मुबारक। लोगों को है ना मैं बताऊंगा कितने बकरे बेचने को है। अभी रमजान के बाद तुम लोग आना शुरू कर दो और पसंद करके लेके जाना शुरू करो बकरे। दिखा उड़ी मार के दिखा वहां से आज तक फिटम फाट। वर्षा को मैंने भाई देखो बेचने के लिए बोला था, अभी भी बेचने के लिए मैं बेच दूंगा। दो दांत कर दिया बाबा ने। अब ये बकरा बिकाऊ है, ये बेच दूंगा मैं अभी। ये सब इस बैग में कैसे फिट होगा? ये बैग में फिट करना भी टास्क रहने वाला है अभी। ये सब अपने मोनू भाई की शॉपिंग है। मोनू भाई की जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल भी नहीं है भाई साहब, बैठ गया वो भी एकदम मस्त। सवेरे के 9:38 एंड वी आर ब्लॉगिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोगों के अभी भी मैसेजेस है, तुम लोगों को लग रहा है अभी भी बीमार है हम लोग। नहीं अभी बीमार नहीं है, ना मैं बीमार हूँ ना मोनू बीमार है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग ठीक है। 10:26 यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ना 10:25 हो गया मेरे को, और घर से मैं कितने बजे निकला था 9:45, मतलब कि 40 मिनट्स में अपन घर से यहाँ पहुँच गए। रास्ता पूरा खाली खाली था, और यही अगर मैं आपको दो दिन पहले की बात बताऊँ कि मैं रात में गया था, यही जो कल मैं मोनू के लिए लेने गया था ना सामान, वही मैं परसों रात में गया था। ऐसा ट्रैफिक और ट्रैफिक देख के मैं वापस आ गया था, पीछे मुड़ गया था। बोला मेरे को नहीं रुकने का यहाँ पे भाई साहब, मेरी हिम्मत ही नहीं थी वो ट्रैफिक में रुकने की। खैर आज हमें ट्रैफिक नहीं मिला, आज हम बहुत खुश है, पाम पे जल्दी जल्दी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हाय खुश हो जाओ खुश। साइज देख बराबर रहेगा, साइज तो रहेगा बराबर, क्योंकि साइज तो पूछ के ले गया था लास्ट टाइम जब मेरे मोनू के लिए लेके आया था कपड़े, वही साइज से माप के लेके आया हूँ। एक सरप्राइज भी है उसमें, देख तो सही तू खोल के। इसने तो सिर्फ मेरे से जीन्स पैंट मांगा था, बोला माए भाई मेरे को जीन्स और शर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे, मगर उसके अंदर एक और सरप्राइज है। पैजामा कुर्ता, पैजामा नहीं कुर्ता है, कुर्ता मिल गया यार अपने अल्तमश की दुकान में। उसने बोला भाई कुर्ता भी है, बोला भाई कुर्ता है तो पहले दिखा, मैं बोला कुर्ता भी लेके आया मैं, कुर्ता दिखाना उसे खोल के, मस्त कुर्ता है भाई, वो मेरे इतना पसंद आया ना, मैंने पहले नजर बोला ये पहले दे मेरे को, ये इसके माप का मिलना ही मुश्किल था। डबल एक्सेल है ये भी माशाल्लाह। ईद के दिन यही पहनना, ईद के दिन यही पहनना, और जीन्स पहन लेना इसके नीचे नई वाली जो लाई है भाई। ईद की शॉपिंग हो रही है, मैं परसों रात में, मैं कल इसके लिए जल्दी गया था समझा गया, अभी कल मैं यहाँ से जल्दी निकल गया था, यही वजह से जाके मेरे को वापस अब लेना करना, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और मेरी शॉपिंग का क्या है, मेरी शॉपिंग तो रमजान के पहले ही मैंने पठानी का कपड़ा लेके दे दिया था बनाने के लिए, वो कप का बन के आ चुका है, हम तो वही पहन लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा खाली है, क्यों खाली है, पूरा पैरेट भी गया, सिल्क का संसार उजड़ गया, पूरा उजड़ गया। ब्रूसली भी गया, ब्रूसली की फीमेल भी गई, सब उजड़ गया। ये देखो ये लोग है अभी भी, ये लोग है, इनको कुछ नहीं हुआ, इनको कुछ नहीं हुआ भाई साहब, ये अभी भी है हट्टे खट्टे। मोनू किधर जा रहा है, तू नहा रहा है क्या अभी? नहीं। अभी पहनना नहीं वो कपड़े, वो कपड़े पहनू मत, जब तू नहाएगा ना उसके बाद पहन के देखना समझा। क्यों पहन के मत देख बोल रहा, नमाज पढ़ने की देखो कपड़े पहन। इधर आ जाए पानी देखेंगे टाकी में भाई साहब। अभी देखो पिछले साल जब मैं यहाँ पे था पानी हमको कम कब पड़ गया था, आई थिंक सो अप्रैल एंडिंग या मार्च मई के फर्स्ट वीक से, मगर इस बार जो है ना पानी हमको कम पड़ने लग गया है अभी से ही। अभी ऑलरेडी एक टैंकर मंगा चुका है यहाँ पे ना। सबसे पहली बात तो पानी मैं पूरा खरीद के ही पिलाता हूँ जानवरों को, जितना भी पानी यूज़ करते ना खरीद के करते, नॉर्मल टाइम्स में भी और जब अभी गर्मी आ गई ना तभी भी। नॉर्मल टाइम्स में हाफ ऑफ द रेट मिलता है, अभी का जो रेट मिल रहा है, अभी जो रेट मिल रहा है ना वो बहुत आसमान छू गया है। 2000 रुपये पर टैंकर, बोरिंग वाला नहीं है, बोरिंग वाला नहीं, कुएं का पानी मंगाते हैं हम, बोरिंग वाला मंगाएंगे तो सस्ता मिल जाएगा। कितना बैठेगा ये नहीं पूछ रहा हूँ, कितना चलेगा ये, यह जाएगा 2-3 दिन और जाएगा, 2-3 दिन जाएगा, बंद कर दे। ये देखो इसको हमने गोडाउन बना दिया, पूरा हरी पत्ती का माल यहाँ पे रखा है हमने, पूरा माल यहाँ पे स्टोर किया है, इधर जगह नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे इसके लिए रखा है क्योंकि वहाँ पे पूरा तुअर भूसा पड़ा है, वहाँ पे जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, इसके लिए यहाँ पे रखा है। हमने डायरेक्ट गाड़ी यहाँ तक मंगाए थे, पूरी यहाँ तक, यहाँ से उठा के यहाँ रखे। अच्छा भाई अभी भी लोग पूछ रहे मुन्नू भाई की तुम्हारी तबीयत कैसी है, जरा बोलो। ठीक है भाई, जरा दिखा उड़ी मार के दिखा वहाँ से यहाँ तक फिटम फाट। भाई हम लोग फिटम फाट है, बस हम लोग वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, ब्लॉग क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना यार वो सब काम करने का थक जाते। अगर मेरा रोज़ा नहीं होता ना तो मैं बना लेता, मगर रोज़े में समझे जरा नहीं होता है। दूसरा ये मेरी जो तबीयत है ना, पिछले 2 दिन से ठीक हुआ ना मैं, 2 दिन हो गए, मेरा जो छोटा मोटा टेंशन का था ना वो क्लियर हो चुका है, 2 दिन हो गए। उन्होंने मैंने अभी इसके लिए कुछ सोचा है,
ये मैं तो नहीं करूँगा, ये करवाएंगे अपन। ये निकलवाना है ना, देखो ये अभी तो लग वैसा ही है, इसको निकलवाना है। ये सब पिंजरे हमने सेट किए थे, ये सब यहाँ से हटा देंगे, ये पूरे पीछे भिजवा रखवा देंगे। और अभी अपना जो भी मुर्गियों का सेटअप रहेगा ना, वो पूरा पीछे रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। उस हिसाब से मैंने सोचा हूँ, मगर कब करने का है ना वो करवाता हूँ मैं। तू नाश्ता कर ले, जा तू नाश्ता कर ले। एंट्री में ही फ्रेज देखो माशाल्लाह। ओह क्या बात है, वेरी गुड, वांटेड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई शाबाश। ये देखो डायमंड इधर, सब खड़े हो जाते हैं। वो उधर आखिरी में रुस्तम है सबसे। इसका फेस एक अलग इस लेवल का है, इससा ही है देखो माशाल्लाह। भाई जानवर सारे सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान। जानवर सारे ना सारे के सारे अच्छे एक्टिव है। बस ये जो गर्मी पड़ रही है ना खतरनाक वाली, ये गर्मी की वजह से जो डाइट पे रहता है ना जानवर, वो डाइट पे से हल गया है। जिस हिसाब से खाता था जानवर, उससे अभी नीचे आ चुका है ये गर्मी की वजह से। और दिक्कत ये हो रही है कि दिन भर गर्मी और रात में सर्दी, ये एक अलग मसला चल रहा है। देखो अपने जानवर सारे खा पी के अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए है। वो ऐसा क्यों कोने में खड़े लाए, अभी देखना पड़ेगा उसको। ये देखो यही सब चीज़ें चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो ये अपना अलादीन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक ट्रे टूट चुकी है और गिर चुकी है टूट के। यहाँ पे दो बकरे नए आ चुके बाय द वे, जो अपन ने क्वारंटाइन में रखे थे। यहाँ पे आगे के दोनों केजेस में वही है। अरे रे 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 रे, इसको लेके क्या ये वहां से यहाँ आ गया, ये अंदर रहता माशाल्लाह हो गया ये। भाई साहब इसने कितना गेन किया होगा पिछले महीने इसका, चलो तुम लोग अंदाजा लगाओ, इसका अंदाजा लगाओ तुम लोगों ने इसने कितना गेन किया होगा पिछले महीने। माशाल्लाह लग रहा है यार, ये अच्छा लग रहा बहुत। ये वाला जो हिस्सा है वो भी यूज में आ चुका, एक बकरा हमने वहां पे डाल दिए गुजरी। वो वहां पे क्यों डाले, क्योंकि वो जो केज में था ना, वो केज में एक दूसरा बड़ा बकरा हमने डाले, उसको वहां नहीं डाल सकते थे। ये गुजरी है, ये एडजस्ट हो जाएगा। ये भी अपने पास बहुत कम पैसा है। कौन सा गुजरी है मालूम, मैं तुम लोगों को दिखाया था क्वारंटाइन में, छोटा सा आया था एकदम, मैं ट्रीटमेंट दिखाया था तुम लोगों को। ये वो वाला गुजरी है, माशाल्लाह हो गए, इसने बहुत अच्छा गेन किया, बहुत अच्छा चल रहा है ये, अभी भी अच्छा चल रहा है, ये भी अच्छा चल रहा है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह सब बकरे अच्छे चल रहे, ये तो अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे चल रहे। ये देखो ये भाई साहब को देखो, ये भी फुल आराम फरमा रहे है। देखो क्वीन ऑफ गोल्ड रूम को ऐसी खड़ी है, आ गए नीचे आ गए। ए, ये मेरे को अजवा का है ना, ज्यादा टेंशन आ रहा है यार, तुमको बता रहा कैसे टेंशन आ रहा है। इसका जो पेट है ना, मेरे को ऐसा लग रहा नहीं कि ये गाबन है, मगर आपने सोनोग्राफी करके आए, सोनोग्राफी में बोल दिया था कि ये गाबन है बकरी। इसे गैफा है ना दिख के आ रही है कि गाबन है, मगर ये दिख के नहीं आ रही। और इसको ऐसा दो ढाई महीना ही कुछ हुआ है, तीन महीने के बाद से थोड़ा पेट लगने लगता है कि गाबन है। तो ये ना इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखता मेरे को ये गाबन है, मगर सोनोग्राफी की रिपोर्ट है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, मगर जो दिख रहा है उसको भी कैसे झुटला सकते हैं अपन। बाकी अपनी एलेक्सा, ये एलेक्सा है बाय द वे, ये एलेक्सा सीरी, फिर ये इतराफ, फिर अपनी वर्षा। वर्षा को मैंने बाय द वे बेचने के लिए बोला था, अभी भी बेचने के लिए मैं बेच दूंगा, कोई लेना चाहता है तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये इसको तो मीटिंग किया हुआ मैंने, इसका नहीं मालूम। ये एक बकरी जो अपने भाई की है, ये बकरी को मीटिंग करनी है, ये सब मीटिंग करनी है, ये मीटिंग करनी है, क्योंकि ये हीट पे आई नहीं है अभी तक ना, हमने कोई प्रक्रिया की है। इसको एक बार किए थे हमने, मगर मेरे को नहीं लगता कि ये भी कंफर्म रहेगी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म है, कुछ दिन में रिजल्ट देखने मिलेंगे अपने को इसके इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आराम कर रहे हैं यहाँ पे, आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। कुछ दिन के बाद ऐसा देखो तुम, कुछ थोड़े दिन के बाद है ना अपने को बच्चों को शिफ्ट करना है, और अपने पास जगह नहीं है शिफ्ट करने के लिए, तो अपने को कुछ कुछ ना कुछ एक नई चीज का प्रबंध करना पड़ेगा, तब जाके चेंज हो गई ये लोगों की जगह। देखो पानी पी रही थी अभी, ये भी गाबन है अपनी। बागी के रिजल्ट देखने मिलने वाले तुम लोगों को बहुत जल्द, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बागी के रिजल्ट देखने के लिए, इंशाल्लाह मजा आएगा तुम लोगों को भी देखना तुम लोग। और भाई साहब ये अपना बाबा, बाबा ने ना, बाबा ने ये देखो दो दांत कर दिया बाबा ने। अब ये बकरा बिकाऊ है, ये बेच दूंगा मैं अभी, जिस किसी को चाहिए कॉन्टेक्ट करो, बाबा इज फॉर सेल, जिसको चाहिए बोल देना और लेके जाओ। हाय गाइस, हाय गाइस बोलो तो आ गया। इसकी सिंग अच्छी हो रही है, बहुत खड़ी जा रही है इसकी सिंग।
जैसे अपनी अजवा है ना अजवा, वैसी उसकी सिंग जाती है। देखो दिख रही हाँ, ये देखो ये, अरे फोकस कर, ये देखो खड़ी सिंग जा रही, खड़ी सिंग माशाल्लाह अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। चलो चलो आराम करो इनके लिए, ये थोड़े दिन एक हाथ महीना और निकाल सकते हैं इसके अंदर, ये लोग एक महीने के बाद इनको चेंज करना ही पड़ेगा, इनको नहीं इनकी जगह को चेंज करना पड़ेगा। ये नायाब, नायाब ने अभी तक दांत नहीं किए, फुल अपडेट के साथ वीडियो मिल रही है आपको देखने के लिए। अपने पास है ना कितने बकरे बेचने को है ये भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। मैं बताऊंगा कितने बकरे बेचने को है, अभी रमजान के बाद तुम लोग आना शुरू कर दो और पसंद करके लेके जाना शुरू करो बकरे। बहुत सारे बकरे ऐसे भी जिनकी वीडियो फोटो आने के पहले बिक चुके हो, इधर आके लोगों ने ले लिए है, तो वो चीज मिस हो जाएगी, मगर उनकी वीडियोस बनेंगे इंशाल्लाह। आज जल्दी हो गए खिला के, अपना 12:38 हो रहे, 12:38 हो गए, खिला के हो चुका। दरअसल अभी अपनी स्पीड भी बढ़ गई ना, अभी अपन रिकवर हो गए ना, अब हम लोग बीमार नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस हिसाब से हमारी स्पीड बढ़ गई है। 12:38 हो रहा है और हमारा फीड करा के हो चुका, मगर अभी बाकी सारी प्रोसेस रहेगी ना, ये करते करते हमको 1:30-1:45 बज जाता है बाहर निकलते निकलते, बस अभी वो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ खा रहे कुछ नहीं खा रहे, गर्मी गर्मी परेशान कर रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये गर्मी है ना तब तक अपने को फिर से स्विच करना पड़ेगा शाम की तरफ, जब अपन शाम में फीड खिलाया करते थे ना 4-5 बजे, तो वैसे टाइम पे अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा। देखते हैं ईद के बाद वो प्रोसेस में शिफ्ट करेंगे हम, देखते हैं पहले ईद तक कैसे चल रहा है सब कुछ देखेंगे, उसके बाद कुछ डिसीजन लेंगे। तो अपने को तो चाहिए कि अपने बकरे खाए और वजन बढ़ाए, मगर ऐसी गर्मी में कहां से खा रहे, सब परेशान हो रहे गर्मी से, अपन खुद परेशान हो जाते यार, तो ये कैसे नहीं होंगे। चलो गाइस वी आर डन, 1:40 हो रहा है, लास्ट बकरा पानी पी रहा है, देखो वो वाला गुजरी। अभी यहाँ पे क्यों आया हूँ मैं, देखो ये सही करने के लिए, जो जाली खुल गई है ना अंदर वाले बकरे बाहर आ रहे हैं और यहाँ वाले बकरे यहाँ जा रहे हैं अंदर, इसके लिए हम ये सही करने आ गए भाई साहब, इसको सिर्फ टर्न कर देंगे, ये वाला हिस्सा भाव उठा कर रख देंगे और वो वाला इधर कर देंगे तो सही हो जाएगा। ए चल मेवाती बाहर, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, ये देखेगा यहाँ पे 3 बरबरे यामी वाला बकरा, ये बेचारा कितने बार बाहर आता कितने बार अंदर जाता, अब ये अंदर ही रहेगा। चलो इसके लिए आया मैं खास, देखो यहाँ पे इसमें से बाहर अंदर कर रहे जानवर। हे उठ, इसने कितना किलो गेन किया मालूम लास्ट मंथ, गेस करो कितना किलो गेन किया होगा इसने, गेस करते रहो तुम लोग आज के ब्लॉग में, पॉज करो वीडियो और जाके कमेंट कर दो कितना गेन किया रहेगा, जब तक ये बांध भी लूंगा मैं। चलो भाई साहब डन हो चुका है ये काम हमारा, पूरा पसीना पसीना होगा, हम 10 मिनट के अंदर क्या हालत खराब हो गई, एक्चुअली अंदर हम लोग काम कर रहे थे ना इसके लिए पसीना पसीना हो गया। माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचाए मेरे बच्चों को। अबे इनकी ये बनाने की ना बिफोर एंड आफ्टर, खस्तियों की चालू है ना, अपने सिर्फ एक चीज बनाई ले उसकी, आज इसकी बनाते मोनू टोरनेटो की, मगर उसके पहले चल बाहर दवाई बना, आज अपन वो मालवे को वॉश दे देते और उसको बांध भी देते। अरे हम लोगों ने ना उसके जगह भी बना के रख रहे, देखो यहाँ पे बांधेंगे हम उसको, तो यहाँ पे से ये पत्थर निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 बकरे रहेंगे इंशाल्लाह। चलो आज एक्स्ट्रा काम हो रहे, नहीं तो हम लोग यहाँ से निकल जाते, मैं अपना नमाज पढ़ के आराम करता हूँ, मोनू अपना खाना खा के आराम करता, फिर हम लोग 4 बजे उठते, उसके पहले हम लोग बाहर ही नहीं आते, आराम करते रहते मोनू भी और मैं भी, मगर अभी कुछ दिन की बात है, वे अबे बाहर निकलने से पहले सुन ऊपर जा, वो मुर्गी निकाल और अंडे निकाल, ऊपर दरअसल मुर्गी अपनी बैठ गई, कितने अंडे लेके बैठी है, 6-8 अंडे लेके बैठी है, खुद से ही बैठ गए डाल के, अब वो देखो 90% तो चांसेस है कि वो अंडे खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये सीजन में अंडे नहीं बिठाए जाते गर्मी की वजह से, अब चांसेस है खराब होने के, ये सब अल्लाह की तरफ का मामला है यार, इसमें अपन चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ मगर मैं ना अंडे ढूंढ रहा हूँ इसके, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मा के, ब्रह्मा ब्रीड आती है ना मुर्गी की, उसके अंडे ढूंढ रहा हूँ, किसी के पास अगर है तो मुझे बोलना, मगर अभी नहीं, थोड़ा सा ये गर्मी का मामला खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद बताना, वो क्यों मांगता है अपने को वो भी बताएगा आपको भाई। किधर है बे, है किधर, मगर वहाँ पे ये इतने सब पसारा है ना, ये पसारा भी निकाल बे एक दिन, सब लेके जाऊंगा ये पोते में। मोनू को मैंने बोला 3-4 दिन हो गए, मतलब वो एक मुर्गी दिख रही नहीं, बोला वो भी तो नहीं चली गई, नहीं भाई बोले वो ऊपर बैठी लिए, बोले देख जरा कंफर्म बैठी है क्या, नहीं अगर बैठी है तो अंडे पे बैठी होगी 100%, तो उसने बोला यस अंडे पे बैठी, अरे यहाँ बैठी लिए, अबे अरे कोई ट्रे में बैठी उसने अंडे डाल के, ट्रे के साथ ही ले ले नीचे, ट्रे में कुछ है क्या सामान है, अबे ये ट्रे तो वहां लेनी चाहिए फिर अपन ने यार, ये ट्रे यहाँ पे पड़ी है, जबरदस्ती इतनी मेहनत किया था मैंने वो ट्रे को काटने के लिए, उठेगी क्या एक हाथ से, देखो कहाँ अंडे सेक रही, देखो ये यहाँ पे सेकने आने वाला है
आ नीचे आ जा। अंडे घोलने ही नहीं आएंगे इसको, देखते हम लोग अभी चेंज कर देंगे, घमेले में रख देंगे कुछ पत्ती वत्ती डाल के और इसको बिठा देंगे ऑफिस से उसके ऊपर। जा तू जरा घूम क्या। अरे बाप रे देखो कितने अंडे लेके बैठी है, 3, 3, 6, 7, 8 अंडे लेके बैठी है, इधर थोड़ी घोले जाएंगे। इसका एक तरीका भी आता है चेक करने का ये अंडे बराबर घुले क्या नहीं, जिस हिसाब से हाथ में लग रहे ना उस हिसाब से लग रहा कुछ तो भी है। चलो अल्लाह करीम इसको सही कर देते हम लोग। कहाँ लेके बैठी देखो अंडे। देखो भाई साहब हमने कैसा सेट किया इसको, जाओ वहीं पे चढ़ नहीं तो रख दे, यहीं से रख दूंगा मैं, हो जाएगा पूरा सेट कर दिया हमने इसको। यहाँ पे थी यहाँ पे चली जाएगी, देखे सेट अलहमदुल्ला। उसमें से दो अंडे मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहे हैं, बाकी सब लग रहे हैं मेरे को, चेक किया मैंने उसको भाई। दबे तू क्या कर, क्वारंटाइन में काम कर, खत्म। दवाई बना वो मालवे को बाहर लेके आ और फिर मेरे को बुलाने आ, जब तक मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। दे देंगे उसको आज वार्ड, अंदर शिफ्ट हो जाएगा। आज भी मेरे को जल्दी जाना है घर पे। क्यों जल्दी जाना है, आज घर पे से कुछ फरमाइश है तो उनको कुछ इफ्तारी में खाने का है, अगर वो खाने का है ना फिर अपने को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। एकदम लेट भी नहीं निकल सकते, एकदम जल्दी भी नहीं निकल सकते, जैसे अभी नीला के तुरंत भी नहीं निकल सकते। क्यों, क्योंकि जल्दी जाएंगे तो मिलेगा नहीं, लेट जाएंगे तो फिर वहाँ ट्रैफिक रहना तो जा नहीं सकते। इसके लिए बरोबर एकदम सही टाइम पे निकलना पड़ेगा यार। हालत देखो, बहुत लोग बोल रहे हैं मुस्लिम भाई बाल कटवाओ दाढ़ी कम करवाओ। भाई साहब देखिए मेरा कोई भी मूड नहीं है बाल कटवाने का ना दाढ़ी छोटी करने का, मेरा अभी कोई भी मूड नहीं है। जिस दिन मेरा मूड रहेगा ना उस दिन मैं वापस से अपने पुराने वाले लुक में आ जाएगा, मगर फिलहाल जो है मेरे को बिल्कुल भी मूड नहीं है बाल कटवाने का या दाढ़ी ट्रिम करने का। मैं जैसा हूँ मेरे को अच्छा लग रहा, बाकी किसको क्या लग रहा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी भी बोल रहे बाल कटा, ये भाई बोल रहे बाल कटवा दो, मगर नहीं माँ ही बोल रहे बाल कटवाओ, मगर नहीं। आमला बोले आप बुरे तो बाल अच्छे लग रहे, मैं बोला यस यू आर माय पार्टनर। मैं बोला अपन नहीं कटवाएंगे, जब तक मेरा दिल नहीं बोलेगा ना काटने का तब तक नहीं कटवाएंगे। और वैसे भी ना अभी ऐसा कोई एकदम जरूरी नहीं है मेरे को बाल कटवाना ही, क्योंकि मेरी मीटिंग कुछ चल नहीं रही है, कोई मीटिंग नहीं है मेरी, कुछ नहीं है जहाँ पे मेरे एकदम ग्रूमिंग पे दिखना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए एकदम मस्त अभी अपन एंजॉय कर रहे थे अपने लंबे बाल। बाल अभी मेरे टिकरे बिकरे क्यों लग रहा हूँ ज्यादातर, क्योंकि यार मेरी मेहनत ज्यादा हो रही है उसकी वजह से। एक बार अपना एम्प्लॉय वगैरह आ जाएंगे ना उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं होगी, अपना एकदम सेट रहेगा। और दूसरी बात, एम्प्लॉय बहुत आ रहे हैं, बात कर रहे हैं हमको वापस भेज रहे, रख नहीं रहे, हमारी मजबूरी है अभी। मैं जानता हूँ मैं रख सकता हूँ मगर नहीं रख रहे, कुछ मिल रहे गिल्ला वाले, कुछ मिल रहे सुक्के वाले, अपने को नहीं चाहिए। रूल्स अभी भी अपने वैसे ही चे, जो अपनी क्राइटेरिया है ना SOP वो अभी भी बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मजू कर लेता हूँ मैं, ये म्यूजिक के बगैर भी अपना ब्लॉग अभी अधूरा है। मैं तो सोचा था अभी आराम करूंगा, हमने वो जो मेवा है मालवा बोला था ना 3:30 बजे, सोचा था हमने दवाई डालेंगे उसके ऊपर, मतलब जो वॉश देते हैं हम लोग वो करेंगे, मगर मोनो अभी आया, मेरी नमाज पढ़ के हो गई, मैं लेटा ही, मोनो आके बोलता भाई मशीन कब से लगाई ली आपने, पानी अभी तक भरा नहीं। बोला हाँ ये बात तो सही, मतलब ऊपर जाके देख पानी वहां गिर रहा है, ऊपर जाके देखो उसमें पानी नहीं गिर रहा है। तो क्या देखना पड़ेगा ना मेरी जान, अगर नहीं देखेंगे तो फिर मोटर जल जाएगी। अरे यहाँ तो पानी गिर रहा, ऊपर कैसे नहीं चढ़ रहा, ये अलग मसला है। अभी यहां से ना लीक हो रहा है, ये भी बनाने का है। अब गिरेगा इंशाल्लाह, तो बहुत लूज हो गया था वो, नहीं मगर लूज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तू एक काम कर स्क्रूड्राइवर ले, फिर से वही हुआ, एयर निकल गई पूरी है, पानी आ का सूख जाएगा। अरे यही पे स्क्रूड्राइवर रखा था मैंने, अच्छा तूने उस दिन लेके आके दिया था ना मेरे को, जल्दी ला जल्दी ला। ये रूम अभी गोडाउन बना हुआ है, जैसे ही कोई कपल या कोई आ जाएगा तो ये फिर से रहने लायक हो जाएगा। चूंकि बकरिया यहाँ पे ही अभी तक, ये बकरिया शिफ्ट करेगी, बस 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन में देखो ब्लॉग भी आना शुरू हो जाएंगे और ये सब चीजें भी समेटना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अभी एक बकरा सबसे पहले अंदर जाएगा इंशाल्लाह, कल या परसों में यहाँ की बकरियां भी शिफ्ट होगी सारी की सारी इंशाल्लाह। टाकी में पानी नहीं है और हम लोग बोल रहे पानी क्यों नहीं चढ़ रहा, मेरी टोपी किधर है? दरअसल है ना ये टाकी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा इधर है, ये हिस्से में पानी है वो हिस्से में पानी नहीं है, इसके लिए पानी नहीं चढ़ रहा है। अभी शाम में आएगा पानी, टैंकर के लिए बोल दिया गया है, इंशाल्लाह शाम में पानी आ जाएगा। मगर मोनू महीने रहेगा जब, यहाँ तो तू भर लेना सही से। ये देखो ये इसकी फरमाइश थी हलवे की, ये आमना की फरमाइश है, आमना की हलवा पराठा। कितने बज गए? 5:33। हाँ आया आया,
आने के साथ इना ही क्या हुआ, चलो अब्बा अब्बा ये टाइम पे ना मैं फार्म पे से निकलने की तैयारी करता हूँ। मतलब मेरा अंदर का काम, मेरे हिस्से का जितना भी काम है ना सब कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं वहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। आज भी मेरी निकलने की कुछ खास वजह थी, एक तो ये सब इफ्तारी लेने की थी, एक और चीज़ लेनी थी मुझे, वो भी मैंने लेके आ गया हूँ, मगर मैं वो अब नहीं दिखाऊंगा, मैं वो ईद के दिन दिखाऊंगा, आज नहीं दिखा रहा मैं। खोलो भाई, खुला है। मच्छरों से बचने के लिए हमारे मेन डोर को मच्छरों से बचने वाला दवाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसा जा रहा है रोज़ा आपका? अच्छा जा रहा है, तुम्हारे तो अलहमदुल्ला सब रोज़े हो गए। अलहमदुल्ला कैसा आवाज देते? चलो तुम्हारी फरमाइश भी आज हो गई पूरी, हमने तुम्हारी फरमाइश भी हो गई। तुमने क्या मांगे थे मेरे से? हाँ, तुमको वो हलवा पूरी, आगरा का मशहूर हलवा पूरी ने, हलवा पराठा है वो। यूजुअली जो दूसरे पराठे रहते ना वैसे मैदे के से लगते हैं, मगर जो आगरा वाले जैसे अपन ने लिए ना वो ऐसे पूरे क्रिस्पी लगते, इसके लिए मैं वहां से लेके आया। पिछले हफ्ते ना लास्ट वीक अपने को अरेबियन चिली से भी इनवाइट आया था पूरी फैमिली को कि प्लीज आइए डिनर के लिए इफ्तारी के बाद और रिव्यू दीजिए, मगर हमारा रोज इनविटेशन अपने फार्म पे चालू था, इसके लिए जाने पहले तो मैं चाहता। क्या हो गया? अरे भाई मस्ती देखो इनकी तो। इस बार तो रह गया अरेबियन चिलीज, इंशाल्लाह अगली बार जाएंगे। और अपना फाज की दुकान का भी वीडियो बनाना था, वो रह गया। कलीम भाई की दुकान बनाने का वीडियो बनाने का था, वो रह गया। सब रह गया, बिजी ना गाइस। अगर फार्म पे एक दो लोग और एक्स्ट्रा होते ना तो मैं जाके कर भी लेता। लो बहुत भरे लाए आज ये लो, पहले तो खाली डब्बे लो। हेलो, ये मम्मी की फरमाइश है, बहुत गर्म रहेगा। मालपुआ रबड़ी, अरे ये एक समोसा, ये मालपुआ रबड़ी गर्मा गर्म। अरे इतना ही नहीं है, ये तुम्हारी वाली फरमाइश, हलवा पूरी हलवा पराठा। अरे इनको देखो एक और फरमाइश है, ये खाली डब्बा है, एक और फरमाइश है वो यहाँ पे। ये फरमाइश तुम लोगों को है ना ईद के दिन मालूम पड़ेगी क्या है। अरे वो वाला शैम्पू है क्या दुकान में, हेड एंड शोल्डर ठंडा वाला मिंट वाला कुछ है क्या ऐसा मिंट वाला शैम्पू? अरे तो गर्म हो रहा ना वो मिंट वाला शैम्पू, बाल वॉश करूंगा ना, एक तो तेल लगाया मैंने कल बहुत भर के तेल लगा था मैं बालों में, भर के तेल लगाया, सिर्फ सवेरे वॉश किया था, शैम्पू नहीं किया तो बालों में पूरा तेल वैसा ही है, तो वो शैम्पू लगाऊंगा तो उसे ठंडा लगेगा, पूरा मस्त ठंडा लगता है। फिलहाल शावर लेता हूँ, शावर लेने के बाद इतना सुकून मिलता है ना, मतलब जिसम नहीं रू से दुआ निकलती है, जिसम को ऐसा कुछ नहीं, रू से वो दुआ निकलती है। 6:01, ऐसा लग रहा है अभी मैं क्यों जल्दी आया, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मेरे को बोल रहा है जल्दी आए तो बनाओ। लोगों ने नूडल्स की तैयारी की है, ये बना चुके, ऐसे इतना खरड़ के ना बना लेगा, इतना खरड़ के बनाए तो फिर जो कढ़ाई का लोखंड की खुशबू है ना वो आती है उसके अंदर, समझे? इनका मुंह देखो कैसा उतरेला, बाल काटू नहीं क्या बोला तुम्हारे को मैंने? हाँ बोल रहे, मैं जब तक नहीं काटूंगा जब तक मेरा दिल नहीं बोलेगा क्या मोहसिन काटा अभी बस हुआ, अभी मेरा दिल नहीं बोल रहा है। हक्का नूडल्स, सेजवान नूडल्स, शेफ का काम हो चुका है, शेफ अब जा रहे हैं आराम के लिए। इट्स 6:16 इन द इवनिंग। खड़े रह के बनाना है ना, ये औरतों का काम भी आसान नहीं रहता घर में ये तैयारी वगैरह तैयार करना। ये एक चीज याद रखना, ये सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं बनती है ये चीज, ये जितने भी रोजदारों के घर है ना आजू बाजू में सब जगह जाती है, सिर्फ मैं अपने घर की नहीं बता रहा हूँ, अपने जितने भी घरों में इफ्तारी तैयार होती है ना सिर्फ अपने खुद के घर के लिए तैयार नहीं होती है, सबके आजू बाजू में बटती है। बताओ अब तुम्हारे घर में बनती है तो बटती नहीं आजू बाजू? तो बहुत स्वाब मिलता है अपने घर की औरतों को अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या क्या है इफ्तारी के मेन्यू में सब बताते हैं आपको, और हम ये सब खा खा के तुम्हारे भाई का फिटनेस पूरा खराब हो चुका है, फुल ऑन ढेबरा आ चुका है, ये गाल देखो कैसे ऊपर आ चुका है, एकदम फ्लावर के जैसा हो गया है तुम्हारा भाई। वो रमजान के 10-8 दिन तक सही था, उसके बाद जब वो बीमार हुए ना फिर वो उसमें वो सब कुछ नहीं हो पाया, कंट्रोल करना ये सारी चीजें करना कुछ नहीं हुआ, पूरी वाट लग गई बस, मगर अल्लाह की नियामत है जिसका लुत्फ उठा रहे हम, एक बार रमजान हो जाए फिर उसके बाद फिर से आ जाएंगे अपने वही रूप में इंशाल्लाह। हाँ देखो यहाँ पे भी पेंटिंग एकदम हो गई मस्त, ये देख रहे एकदम लाइट वाइट लग के एकदम तैयारी हो चुकी है पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस दिन मेरे को फ्रेम लगाने लगाए थे वहाँ पे, उसके बाद में दो आ गए अलग अलग,
वेरी गुड, मतलब कि ईद की पूरी तैयारी हो चुकी है। परसों ईद है, कल गल्फ में ईद है। गल्फ वालों को, जितने भी मेरे गल्फ के सब्सक्राइबर्स है, उनको सबको ईद मुबारक। रात के 8:30 बज रहे, ईद मुबारक गल्फ वालों को। हमारी परसों ईद रहेगी, अभी तक कुछ यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो गया है, तो इसका मतलब कल ईद नहीं है, परसों ईद रहेगी इंशाल्लाह। चलो आप सबको ईद मुबारक, हम लोगों की परसों ईद रहेगी। और उसी के साथ ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अपना 11,200 सब्सक्राइबर काउंट हो गया है, इंशाल्लाह ये बकरीद तक 15,000 हो जाए। हो सकता है क्योंकि बकरीद में ही सब लोग एक्टिव होकर सब्सक्राइब करते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। फिलहाल ये ब्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय। और अभी मेरे को याद आ रहा है कि ब्लॉग आज मैंने जब स्टार्ट किया तो इंट्रो ही नहीं किया। कोई बात नहीं, कल करेंगे फिर से ब्लॉग, कल करेंगे इंट्रो इंशाल्लाह। और बालों के लिए जरा कमेंट करो, तुम्हारा क्या विचार चल रहा है मेरे ऐसे बिखरे बिखरे बाल देख के, क्या लग रहा है बताओ जरा, अपने थॉट्स कमेंट में डालो। मुझे आपके कमेंट पढ़ के सच में अच्छा लगता है, मैं सब कमेंट्स पढ़ता। चलो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय वंस अगेन।